आज हम पढ़ेंगे 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 3। ठीक है, जो है हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, अब इन मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले हम देखते हैं, हमने इसे 11th क्लास में पढ़ा था, हमने सेट्स। ठीक है, उसमें क्या करते थे हम, जितने भी एलिमेंट थे उनको मिडल ब्रैकेट के अंदर लिखते रहते। ठीक है, अब जो आपका मैट्रिक्स है वो भी इसी तरह से, पर इसको लिखने का थोड़ा तरीका अलग है। उसको लिखेंगे हम, चलो पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। अब जो मैट्रिक्स है हमारा, ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स और फंक्शन है। ठीक है, एलिमेंट्स और फंक्शन को हम अरेंज करेंगे कैसे, रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म में। ठीक है, जब आपका रेक्टेंगुलर एरे, अब यहाँ पे देखो एक वर्ड आ गया एरे। ठीक है, इसका मतलब होता है अरेंजमेंट प्लस ट्रे। ठीक है, अब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कैसे अरेंज करेंगे, एक ट्रे की तरह। जैसे देखो घर में कोई मेहमान आता है, ठीक है, आप उसको चाय सर्व करोगे, इस तरह का ट्रे होता है। ठीक है, उसमें क्या रखते, ग्लास, आप ऐसे ग्लास या कप जो भी उसको ऐसे करोगे। देखो अरेंजमेंट हो गया ना किसका, ट्रे का, और जो इसमें एलिमेंट्स है वो क्या है, आपके कप्स या ग्लास। ठीक है, आ गया समझ, इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। अब देखते हैं मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगुलर ट्रे। अब इसके बीच में आएंगे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स या फंक्शन। जैसे एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और फंक्शंस लिखना हो जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, सेकेंट थीटा, टेन थीटा। ठीक है, अब देखो रेक्टेंगुलर रीअरेंज कर दिया इसको हमने, सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए रेक्टेंगल के अंदर। देखो ये सारे के सारे इसके क्या है, एलिमेंट्स है। इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हम मैट्रिक्स को। रिप्रेजेंट तो कर लिया, अब हमारे पास जो एलिमेंट्स है इनको बोलेंगे क्या और इनको क्या नाम देंगे वो देखते हैं। ठीक है, जो ये हॉरिजेंटल लाइन है, जो तीन हॉरिजेंटल लाइन ले ली मैंने, ठीक है, इनको बोलते हैं हम रो। ये तीन हो गया इसके रो है, और एक तीन वर्टिकल लाइन भी ले ली मैंने। ठीक है, इनको बोलते हैं हम कॉलम। ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, रो वन, रो टू और रो थ्री। ठीक है, अब देखो कॉलम वन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1, 4 और 7, और कॉलम टू में 2, 5 और 8, और कॉलम थ्री में 3, 6 और 9। ये तो बात हुई कॉलम की। अब देखो रो में क्या, कौन से एलिमेंट्स है, 1, 2, 3 रो वन में हो गए, 4, 5, 6 रो टू में, 7, 8, 9 रो थ्री में। ठीक है, यहाँ तक लग गया पता, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, इस तरह का कोई भी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज है इसको डिनोट करते हैं हम एम से। ठीक है, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है इसको डिनोट करते हैं हम एन से। ठीक है, जब बारी आएगी इसकी ऑर्डर लिखने की, ठीक है, ऑर्डर क्या होगा इसका, एम इंटू एन, मतलब नंबर ऑफ रोज, रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ठीक है, ये इस तरह का मैट्रिक्स हमारे पास कोई, देखो नंबर ऑफ रोज कितने इसमें 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 3 है, तो ये कितना है, 2/3 का मैट्रिक्स बन गया। 6 नहीं लिखेंगे इसको, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसको। ठीक है, इसको सिर्फ हम यही बोलेंगे 2/3 का मैट्रिक्स है। जैसे आप बाजार जाते हो, ठीक है, फर्नीचर शॉप जाओगे, वहाँ बोलोगे आप हमारे को, मेरे को एक बेड चाहिए, ठीक है, वो बोलोगे आप 6x3 का बेड दे दो। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे, इसके डायमेंशन में किस तरह से डिनोट करते हैं इसको।
अब आता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, एड्रेस से तो लग गया ना, पता है एड्रेस क्या है। जैसे बोलोगे हमारा इंस्टीट्यूट है द लाइफ ऑफ स्कूल, ठीक है। अब किसी को हमने यहाँ पे बुलाना है, हम बोलेंगे पहले रिकॉन्ग पिया आओ, ठीक है। उसके बाद बोलोगे आप IDPP पे आ जाओ, ठीक है। उसके बाद बोलोगे कि यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है, अब यहाँ पे आ जाना। तो मतलब क्या, ये हमारा एड्रेस हो गया। अब मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स है, ठीक है, उनका भी तो एड्रेस होगा कुछ ना कुछ। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये कैसा मैट्रिक्स है, देखो 3x3 का 3 रोज 3 कॉलम्स, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट है, देखो फर्स्ट ए से डिनोट करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स है ए से डिनोट करना है। देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, और इस सेकंड रो का, और ये सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, और ये सेकंड रो का थर्ड। अब ये उसी तरह 3-1 3-2 3-3, ठीक है। अब कोई पूछेगा हमारे को एड्रेस ऑफ 2 इन गिवन मैट्रिक्स। अब जो हमारे को मैट्रिक्स दिया है ना, इसमें जो 2 है इसका एड्रेस बताना है, तो कैसे बताओगे आप? A 1 2, आ गया समझ। वैसे ही 9 का बताओ तो क्या होगा, A 3 3, ठीक है, आ गया समझ। नोट कर लेंगे इसको, तो ऑर्डर पढ़ लिया, एड्रेस पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अभी तक हमने क्या लिए, एलिमेंट्स लिए ना, देखो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से एलिमेंट्स लिए। अब ये जनरल रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं, इसमें हमारे तो एलिमेंट्स पहले से ही दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम इसको जनरली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी मैट्रिक्स को। मान लो कोई हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसमें हमारे पास m रोस है और n कॉलम्स है, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे, देखो ए मैट्रिक्स, एड्रेस हमने पढ़ लिया ना, हमें बताया यहाँ पे 1 1 होता है, A 1 2 A 1 3 A 1 4, ठीक है। अब ये कहाँ तक दिया गया, देखो कितने रोस है हमारे पास, m रोस है और कॉलम्स कितने हैं n। देखो रो तो फर्स्ट रो ही है, रो तो चेंज नहीं होगा, तो चेंज क्या होगा यहाँ पे, कॉलम चेंज, ये nth कॉलम पे आ गया, ठीक है। उसी तरह ये क्या होगा, A 2 1 A 2 2 A 2 3 A 2 4 A 2 n, ठीक है। अब देखो ये आगे चलते हुए, अब देखो रो चेंज हो गया ना, लास्ट रो पे पहुंच गया हम, तो कितने रो है हमारे पास, m, तो A m 1, ठीक है, A m 2 A m 3 A m 4, कहाँ तक चलेंगे, देखो mth रो है, कॉलम कौन सा है, nth कॉलम, ठीक है। लिख लिया हमने ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से। अब इतना बड़ा तो लिखोगे नहीं, कोई पूछेगा आपको भाई जनरल फॉर्म बताओ मैं मैट्रिक्स का, तो इतना बड़ा तो लिखोगे नहीं, तो हम इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं, मैट्रिक्स ए AIJ m into n, ठीक है। देखो आई एम से बिलोंग करेगा और जे एन से बिलोंग करेगा, ठीक है। और हमारे को देखो आई एम और आई और जे की वैल्यू भी पता है कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। फिर जो आई जो है हमारा, ये कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, ये करेगा 1 से लेके m तक, ठीक है। देखो आई की वैल्यू रो कैसे लिखा था हमने, 1 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 m तक, ठीक है। और लास्ट में क्या आता है, m और n आया था, रो कहाँ तक है, देखो m तक, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, देखो 1 से, ठीक है। और j की वैल्यू भी सेम वही 1 से लेके n तक, ठीक है। जनरल रिप्रेजेंटेशन
हो गया हमारा मैट्रिक्स का। अब नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। हमारे पास बहुत तरह के मैट्रिक्स है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में जितने टाइप्स दिए हम वही पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो एग्जांपल इसके लिए वही चाहिए हमारे को। तो देखो फर्स्ट आता है आपके पास रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ वन रो होता है इसमें, ओनली वन रो, 1 5 7, ठीक है। देखो एक ही रो है ना, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए आई जे। अब देखो रो इनटू कॉलम होता है, रो कितना है इधर, ओनली वन, कॉलम तो कितने भी हो सकते हैं ना, कॉलम होगा एन, ठीक है। ये इसका ऑर्डर हो गया, ये इसका एड्रेस हो गया, ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें केवल सिर्फ एक ही कॉलम हो, ठीक है, ओनली वन कॉलम, ठीक है। देखो एक ही कॉलम है ना रो, तो देखो बहुत सारे यहाँ से आगे भी हो सकते हैं, ये तो मैंने तीन रो कर लिया है, यहाँ से आगे भी हो सकता है, इसको नोट कर लेना। अब है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, ए आई जे। अब देखो रो कितने थे उसमें, बहुत सारे रोज थे, ठीक है। रो तो अपनी मर्जी से कितना भी करो, तो रो क्या है, एम, और कॉलम कितना था उसमें, ओनली वन, ठीक है। थर्ड टाइप है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखो रेक्टेंगल तो पता है ना क्या होता है, जिसका लेंथ और विड्थ अलग अलग साइज के होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी क्या, रो और कॉलम अलग अलग होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कितने रो है, ओनली टू, और कॉलम कितने हैं, थ्री। तो देखो रो और कॉलम अलग अलग साइज के, तो इसका ऑर्डर कैसे होगा, देखो रो कितने इंटू थ्री, ठीक है। जनरल रिप्रेजेंटेशन वैसे ही है जैसे मैट्रिक्स का किया था हमने, इसका वैसे ही हो। फोर्थ है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर भी बताओ ना, जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब बात आई मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स में भी क्या होंगे, रो और कॉलम ही देख रहे हैं ना, तो रो और कॉलम इसमें सेम होंगे, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, थ्री इंटू थ्री। अब देखो अभी तक हम थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू फोर ऐसे लिख रहे थे ना, पर स्क्वायर मैट्रिक्स में आप क्या करोगे, देखो एम और एन तो इक्वल है, ठीक है, एम और एन इक्वल है, तो हम इसको बोलेंगे ये एक ही बार लिखेंगे, ओनली थ्री, ठीक है। और इसको बोलेंगे कैसे, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री। यहाँ पे थ्री इंटू थ्री नहीं लिखेंगे, ओनली क्या लिखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ थ्री। आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स का। अच्छा इसका रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे होगा, ए इक्वल्स टू ए आई, या तो आप एम लिख सकते हो या एम एन भी लिख लो, एक ही चीज लिख लो। तो अगर आपने एम एन लिखना है तो आपने क्या लिखना, वेयर एम इक्वल्स टू एन कर देना, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स आपका। अब इसके आगे जो भी पढ़ेंगे वो इसके टाइप्स हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के। स्क्वायर मैट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट है आपका डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। देखो ज्योमेट्री में पढ़ा है हमने डायगोनल क्या होता है, ठीक है। ये स्क्वायर मान लो, डायगोनल क्या होता है इसका, या तो ये या तो ये, दो डायगोनल है, ठीक है। पर मैट्रिक्स के केस में हम ओनली इस वाले डायगोनल को लेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, देखो इसमें इसमें ओनली डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर होंगे, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा। चलो पहले ये देख लो कि डायगोनल कब बोलेंगे,
कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल तभी होगा जब a11, a22, a33 कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो। ठीक है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो, 1, 2, 3 इस तरह से हो, 5, 7, 9 इस तरह से डायगोनल हो, और इनके अलावा जो भी है वो सारे ज़ीरो, इसको बोलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसका सेकंड पार्ट है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, होता है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है, पर इसमें एक चीज डिफर है, इसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम होंगे। ठीक है, और बाकी जो बचे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो सारे ज़ीरो होंगे। मतलब a11 = a22 = a33। ठीक है, लग गया इसका पता। इसका थर्ड पार्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है। इसमें क्या होगा, जितने भी डायगोनल है वो सारे वन होंगे, और इनके अलावा नॉन डायगोनल एलिमेंट इसके ज़ीरो होंगे। मतलब a11 = a122 = a33 = 1। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसको आई से डिनोट करते हैं। आई देखो, इसका ऑर्डर कितना है, 3 है ना, इसको i3 बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, ये तो बात होगी स्क्वायर मैट्रिक्स की, हो गए सारे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमारे पास बचता है नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये बड़ा आसान सा मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया। अब एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, उस बेस पे क्वेश्चन भी है आपको एनसीईआरटी में, वो है आपका इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हो, इस तरह से एक मैट्रिक्स, इस तरह से दूसरा मैट्रिक्स, जब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक जैसे हो, इक्वल हो, तब वो क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स। जैसे देखो 1, 2, 3, 4 अगर यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4 ये दोनों क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, इसका यूज़ होता है कंपेयरिंग के लिए, कंपेयरिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे देखो 1, 2, 3, 5 एक मैट्रिक्स ऐसा है, ये इक्वल्स टू है ए बी सी डी के। देखो मैंने क्या बोला था अभी, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे, तो देखो ए की वैल्यू क्या होगी, अब 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 5। ठीक है, लग गया पता। यहाँ पे होता है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स 1.1 खत्म। अब करेंगे हम एक्सरसाइज।